वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरंभिक स्तर पर जो भाषा एवं गणित का पठन एवं लेखन की सीरीज़ चल रही थी, इसमें हमने राजन के फोर्थ सेमेस्टर के पहला पेपर है जो कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पठन लेखन है, इसमें एक सीरीज चलाई थी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस की। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में आज आपका पार्ट फोर है, ये आपका पार्ट फोर है जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर आपका इसमें बताना है, आपको आइज करके बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसमें आपका ब आंसर दीर्घ स्वर है आ। नेक्स्ट है, नवग्रह में समास है, नवग्रह में आपका कौन सा समास है? तो इसमें आपका नवग्रह में द्विगु समास है, नवग्रह के अंतर्गत द्विगु समास है, क्योंकि नौ ग्रहों के समूह जो होता है नवग्रह, उसे नवग्रह कहते हैं, तो द्विगु समास इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? उर्वशी के रचनाकार हैं, तो उर्वशी के रचनाकार आपको इसमें रामधारी सिंह दिनकर हैं, उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि के रचनाकार हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के रचनाकार हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को गोदान के रचनाकार माना जाता है, यानी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देश विदेश में कौन सा समास है? देश विदेश में आपका द्वंद समास होगा, देश विदेश में द्वंद समास है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का स्थाई भाव है शोक, सा आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तद्भव है, इनमें से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द है आपका अंधेरा, बाकी सब तत्सम शब्द हैं, एकल आश्चर्य अमृत ये तत्सम शब्द हैं, और अंधेरा आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, आज्ञा का समानार्थी शब्द, आज्ञा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आज्ञा का अनुमति समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट है, 9-2-11 होना, 9-2-11 का अर्थ है भाग जाना, इसमें ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ऊंची दुकान फीका पकवान, आपने कई बार सुना भी होगा कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, इसका अर्थ क्या होता है? बाह्य आडंबर का होना, इसका अर्थ होता है बाह्य आडंबर का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वायु का पर्यायवाची शब्द हवा भी होता है, अनिल भी होता है, और पवन भी होता है, तो इसका पर्यायवाची शब्द आपके द होगा। सभी क्वेश्चंस आपके, सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पर्यायवाची हैं वायु के। तरणी का पर्यायवाची कौन सा है? तो तरणी का, तरणी कहते हैं नौका को, यानी नाव, नाव को हम तरणी कहते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका अ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणी का, वो दोनों क्वेश्चंस में आपको देखना है, इसमें था तरणी और इसमें है तरणी, इन तरणी का पर्यायवाची होता है नदी और तरणी का पर्यायवाची होता है नौका, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ण और न का अंतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भित्ति का पर्यायवाची है,
भित्ति का पर्यायवाची है, भित्ति का पर्यायवाची होता है दीवार, इसमें बी आपका राइट आंसर होगा। और एक होता है भीति, भीति का पर्यायवाची कौन सा है, तो भीति का अर्थ है डर, भीति का पर्यायवाची होता है डर। इसमें तालाब का पर्यायवाची पूछा गया है, तो तालाब का पर्यायवाची तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, ये सभी उपर्युक्त सभी आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। तड़ाग भी है, जलाशय भी है और पुष्कर भी है, ये तीनों आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखेंगे जागरण का विलोम है, जागरण का विलोम होता है निद्रा। जागरण का मतलब होता है जगना और निद्रा का मतलब होता है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तिमिर का विलोम है, अ ज्योति तिमिर का विलोम होता है, ज्योति तिमिर का विलोम होता है, तम तिमिर इसका ज्योति होता है विलोम शब्द, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे हम कहेंगे दुर्लभ, ऐसी वस्तु जो बहुत कठिनाई से मिलती है उसे हम दुर्लभ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना हमारा दुराग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में आपका द्विगु समास है, पंचवटी संख्यात्मक समूह जिसमें होता है उसे हम, संख्यात्मक शब्द जिसमें होता है उसे हम द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं, तो इसमें आपका अ आंसर द्विगु आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नायक में कौन सी संधि है, तो नायक में आपकी अयादि संधि है, पावक में कौन सी संधि है, तो पावक में आपकी भी अयादि संधि है, पावक में नायक में दोनों में अयादि संधि पाई जाती है। यदि धन अप्य, यद्यपि का जो संधि विच्छेद होता है वो यदि धन अप्य होता है, तो इसमें आपका पहला आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथैव में संधि कौन सी है, तथैव में संधि है वृद्धि संधि, तथा धन एव इजुकल टू तथैव, तो तथैव जो है आपकी वृद्धि संधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या है, पवन का संधि विच्छेद क्या है, तो पो धन अन इजुकल टू पवन, पवन का संधि विच्छेद होता है पो धन अन, तो इसमें आपका राइट आंसर पवन पो धन अन होगा, और इसमें आपका राइट आंसर होगा। रविंद्र में संधि है, रविंद्र में रवि धन इंद्र, रविंद्र रविंद्र में आपकी संधि है दीर्घ स्वर संधि, देवेंद्र में संधि कौन सी है, देवेंद्र में संधि है आपकी गुण संधि, तो राइट आंसर आपका ए होगा गुण संधि। इको यच इको यणच किस संधि का सूत्र है, तो ये आपका यण संधि का सूत्र है इको यणच, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है तो अब इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आद गुण किस संधि का सूत्र है, आद गुण गुण संधि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह है, उत्साह हमारा भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है करुणा है, करुणा क्या है भाववाचक। दैनीय में प्रत्यय है, प्रत्यय दैनीय जो पीछे लगे वो प्रत्यय, जो आगे लगे वो उपसर्ग, तो इसमें आपका दैनीय ई प्रत्यय है आपका द आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्र उपसर्ग से बना है, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, तो प्रश्न प्रसन्न प्रहार उपर्युक्त सभी प्र उपसर्ग के द्वारा बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनल समीर वायु अनिल,
ए आपका हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनल। अनल का अर्थ होता है अग्नि यानी आग, अनल होता है आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? तो कृष्ण सर्प में आपका कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीताम्बर में आपका बहुव्रीय समास होता है। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में आपका द्वंद्व समास होता है। चतुर्मुख में कौन सा समास है? चतुर्मुख में आपका द्विगु समास होता है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला क्या है? काला, काला आपका विशेषण होगा क्योंकि घोड़े की विशेषता बता रहा है काला, इसलिए आपका ये काला जो है विशेषण होगा। नेक्स्ट है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है? अधिक मत बोलो, इसमें अधिक आपका क्रिया विशेषण है। निपात क्या है? इसमें 145 में निपात शब्द पूछा है, तो हाँ मत खबरदार जी आपके निपात शब्द हैं, ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम है, इनमें से तत्सम शब्द हमें छांटना है। आंत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, ये उपर्युक्त सभी आपके तत्सम शब्द होंगे, इसका राइट आंसर द होगा। नेक्स्ट है, तद्भव है, आपको तद्भव शब्द छांटना है, तो इसमें आपका अगम, आँच, आग, ये उपर्युक्त सभी आपके तद्भव शब्द हैं। ब वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? ब वर्ड का उच्चारण स्थान है दंत। नेक्स्ट है, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, आपको पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यता में है, मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्यता में आपकी भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी मनुष्यता के अंतर्गत, मनुष्यता के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा होती है। पर्वत है, पर्वत आपका जातिवाचक संज्ञा है। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? पठन की क्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो शीघ्रता से पढ़ना भी हो सकता है कारण, भाव को समझकर न पढ़ना भी हो सकता है, अधिक तेज आवाज में पढ़ना भी हो सकता है, और उपर्युक्त सभी भी हो सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं? लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम सस्वर पठन। लिखित भाषा की ध्वन्यात्मक पढ़ाई को या पठन को हम सस्वर पठन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं? सार्थकता, क्रमबद्धता, ये दोनों गुण वाक्य में पाए जाते हैं, तो उपर्युक्त दोनों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है? इच्छा शब्द का पर्यायवाची आशा भी होता है, स्पृहा भी होता है, अभिलाषा भी होता है, तो आपका राइट आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। कोष्टक चिन्ह है, तो ये तीनों ही अ ब और स तीनों ही कोष्टक चिन्ह हैं, तो आपका राइट आंसर होगा इसमें द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर अ होगा। इस
चिन्ह के द्वारा हमें विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए यूज किया जाता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो उज्ज्वल आपका इस तरह से लिखा जाता है, उज्ज्वल आपका द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला होता है तो उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द की विशेषताएं हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, और शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर द होगा, द आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 162 में दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा, अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसमें 7, 8, 6, 4 आपका बढ़ते से घटता क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या लग रहा है, 7864, फिर 7854, और उसके बाद 46, फिर इसके बाद 78। तो इसमें ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो शून्य ही प्राप्त होगा, ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखेंगे, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर क्या आता है, तो शून्य ही आएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39779 तथा वर्तमान में इतने पुस्तकें छपकर तैयार हुई, कुल कितनी पुस्तकें छपी। तो 39779 प्लस इसमें हम करेंगे 39779 प्लस 46759, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9, 9, 18, 8, 7, 5, 12, 13, 1, 14, 1, 15, 5, 1, 9, 6, 15, 1, 16, 6, 7, 8, 4, 3, 7, 8, 8, तो 86538 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं। तो एक सैकड़े में एक दहाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ई उ ऋ री स्वर का प्रकार है। तो ये कैसे स्वर हैं, हस्व स्वर हैं, ऐसे स्वर जिनमें एक मात्रा लगती है उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। तो आगे देखेंगे, इस विराम चिन्ह का को कहते हैं, इस विराम चिन्ह को पूर्ण विराम कहा जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम है, अतिवृष्टि का विलोम है आपका अनावृष्टि। जो ज़्यादा अतिवृष्टि अनावृष्टि आपका पहले भी आ चुका है। तो आगे देखेंगे, यर लव, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, यर लव कैसे व्यंजन है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में यर लव को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की मूल संक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो गणित की मूल संक्रियाएं आपकी जोड़ना, घटाना, भाग देना और गुणा करना, ये चारों संक्रियाएं आपकी गणित की मूल संक्रियाएं पाई जाती हैं। 85-30 में सैकड़ा वाली संख्या कौन सी है। 85-30 में सैकड़ा वाली इकाई दाई सैकड़ा, 5 क्वेश्चन आपका बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कितने प्रकार का होता है। तो पठन दो प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन, पठन दो प्रकार का होता है। भ वर्ण किस वर्ग में आता है। तो भ वर्ण आपका प वर्ग में आता है, प फ ब भ म, ये आपके प वर्ग में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोही क्रम है। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें सीरीज आपकी, पहली सीरीज आपकी राइट आंसर होगी, क्योंकि इसमें सबसे छोटा फिर उससे बड़ा ये आ रहा है,
और इसमें आपका ये भी गलत है, तो ये दोनों गलत हैं, ये सही है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो शून्य ही प्राप्त होता है। सम्मान शब्द उदाहरण है, सम्मान में द्वित्व व्यंजन है का उदाहरण है सम्मान। तुरंग शब्द पर्यायवाची है, तो तुरंग शब्द पर्यायवाची है इसमें घोड़ा, घोड़े का पर्यायवाची होता है तुरंग। ओके, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आपके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस यहाँ समाप्त हो गए हैं। आगे से आपके आपके लघु उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी जो तीन पार्ट हैं उनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।